कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को। मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबका गुड वेलकम है आज का ये सुपर हिट जो सैटरडे प्रोग्राम हम लोग का चलता है, सब में आप लोगों को वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है। तो ये पिछले 4 साल से चल रहा है, एक ही टाइम में चल रहा है और एकदम हिट प्रोडक्ट है, हिट प्रोग्राम है। जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, कोई भी प्रोग्राम नंबर 1, तो ये हम लोगों का एकदम जूम नंबर 1 प्रोग्राम है जो सैटरडे हमको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं अनन्या पाल हूँ हावड़ा से, अभी मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो बहुत मतलब एंजॉय करके ये बिजनेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन हूँ, एक स्कूल में टीचर भी हूँ, लेकिन वहां पे मेरा कोई भी ब्यूटिशियन एज ए ब्यूटिशियन मेरा कोई मान सम्मान नहीं था। जितना मान सम्मान हमको मोदी केयर में मिला, ये एकदम मतलब बोलने लायक की है कि मेरा जितना भी क्रेडिट है, जितना भी गुण है, सब यहाँ पे ही पता चला है। सर ने इतना इंस्पायर करते हैं, तो मेरा सारा गुण अभी निखर के मोदी केयर में आ गया है। तो सबको बोलेंगे मोदी केयर को एकदम जी जान लगा के करना है। उसके लिए क्या करना है, हम लोग को जितना ऑफर्स है, जितना हम लोग का सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। और यही ऑफर्स, यही सिस्टम फॉलो करते करते मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुंच गई। मैंने थाईलैंड फ्री में घूम के भी आई, मेरा अचीव भी हो गया, मेरा टाइटल भी हो गया, मेरे टीम में बहुत सारे लोग आ गए, सब कोई कमाने लगे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी टीम से कॉर्डिलिया क्रूज भी जा रहा है, दुबई भी जा रहा है, तो मेरा खुशी का कोई सीमा नहीं है। तो चलते हैं हम लोग के ऑफर्स की तरफ। पहले दोस्तों, रिपर्चेज जो प्रोग्राम है आप लोग देख लीजिए, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 में हम लोग को ढेर सारा सामान फ्री में मिलता है। और जितना कंपनी दावा करता है कि 10% देना है, उससे कहीं गुना ज्यादा हम लोग को मिलता है, क्योंकि सबका प्राइस अगर आप देखिएगा, सब 10% से ऊपर ही है। और ये रिपर्चेज प्रोग्राम लेना है और 10 तारीख के अंदर लेना है, क्योंकि इस मंथ हम लोग का 10 का दम भी है। तो किसी भी हाल में 10 का दम मिस नहीं करना है, 50 पीवी 100 पीवी एकदम 100% करना है। नेक्स्ट सर, फिर हम लोग को आ जाता है ये जो सेमिनार, हम लोग के जो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, जो फ्राइडे चलता है, जो सैटरडे चलता है, सॉरी ये स्लाइड थोड़ा लेट से आया। अच्छा, हम लोग को इस महीने फोकस करना है, कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 25% एक्स्ट्रा बीवी दिया जा रहा है। तो
तो जिसको बीवी ज्यादा चाहिए, क्योंकि बीवी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो सब प्रोडक्ट में फोकस कीजिए, उसका ट्रेनिंग लीजिए, उसको सबको दिखाइए, शेयर कीजिए, और बीवी का फायदा एकदम भरपूर लीजिए। और सारा अर्बन कलर में ही है ज्यादातर बीवी, तो ये इसको एकदम ले लेना सब प्रोडक्ट। करेक्ट। हाँ, जो बताने जा रहे थे, हम लोग का जो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है जो हर फ्राइडे को होता है, हर सैटरडे को होता है, फ्राइडे को बंगाली में और सैटरडे को हिंदी में, तो ये एकदम मिस नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोगों को मम्मी पापा को देखते हैं कि कोई भी टाइम में सीरियल देखने बैठ जाते हैं, और हम लोग एडिक्टेड है ये सेमिनार के पीछे। 8 बजना है, मतलब हम लोग को जूम में एंट्री करना है। ये अगर आपका नेशा बन जाएगा तो आपका बिजनेस भी एकदम बहुत अच्छा से ग्रो करेगा। तो ये जरूर करना है, और ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा एनर्जी लेना है। तो एनर्जी लेने का हम लोगों को एक ही मंत्र है, वो है हम लोगों का मोदी केयर सॉन्ग। तो सर प्लीज प्ले द मोदी केयर सॉन्ग। ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी माए, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं, हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। दोस्तों, हम है मोदी केयर, ये गाना सुनते ही लगता है कि हाँ, हम लोग मोदी केयर में है और हम लोग करके ही छोड़ेंगे। शुरू में जो सॉन्ग हुआ था कि क्या है उनमें जो हम में नहीं, हम में सब कुछ है दोस्तों, लेकिन हम लोग को सोचने का तरीका थोड़ा बदलना है। जैसे सब कोई जो काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्किन केयर करते हैं, लेकिन हम लोग मोदी केयरियन लोग वही काम को थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं, इसीलिए हम लोग मोदी केयरियन है और प्राउड मोदी केयरियन है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो स्पीकर है वो मेरे बहुत फेवरेट लीडर है, तो मेरा सबसे उनको जो अच्छा लगता है ना, उनका वॉइस इतना अच्छा है, इतना बोल्ड है, हमको बहुत पसंद है। तो सबको ना अपने वॉइस के ऊपर भी काम करना चाहिए, तो वॉइस मेरा बोल्ड हो। तो उनको बुलाने के लिए हम इनवाइट करते हैं हम लोग का जो महागुरु है संजय बगड़िया सर जी को, जो स्मैक मेंबर है, फर्स्ट मर्सिडीज बेंज ओनर है वेस्ट बंगाल में, और जिनका सारा हम लोग सारा उन्हीं के टीम से है, एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग जो टीम है इंडिया में उन्हीं का टीम है। और सर इतने अच्छे हैं तो मतलब सब लीडर को पीछे छोड़ देंगे सर। तो सर प्लीज आइए और आज का स्पीकर को वेलकम कीजिए। अरे थैंक यू अनन्या जी, यू आर अ जबरदस्त एमसी यहाँ। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबको आगे बढ़ाना। बट अनन्या जी, वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर सच अ वंडरफुल
लीडर, अचीवर, फाइटर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और एमसी तो बहुत छोटा बात आपके लिए, यू आर अ ग्रेट ट्रेनर ऑल्सो। दोस्तों आप इनका कभी ट्रेनिंग सुनिएगा, शी इज अमेजिंग। हाँ, और हम इनको बुलाएंगे इस प्लेटफॉर्म में फॉर फुल ट्रेनिंग। सो आइए, आपको आज इस मीटिंग में आगे लेके चलते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब स्पीकर जबरदस्त होता है तो एक्साइटमेंट अपने आप क्रिएट हो जाती है। बिफोर आई टॉक अबाउट स्पीकर, मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो 10 का दम है ना, वो बहुत, उसमें कैश अवार्ड है, उसको मत मिस करिएगा। हमने आपको पोस्टर नहीं दिखाया आज का, बट 10 का दम यानी कि 10 तारीख के पहले मैं बोलूंगा 100 PV, बहुत मुश्किल हो तो 50 PV। हाँ, लोग 300-300 PV कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन विन कैश अवार्ड्स। तो डोंट डिले योर बिलिंग। हाँ, अपना जितना भी बिलिंग है अपना, अपने टीम का, अपने लोगों का, थोड़ा जोड़ लगा के, अपना इनका हेल्प लेके 10 तारीख में इस महीने का अपना 60-70% बिजनेस कर डालो। ठीक है, तो ऐसे भी बता दूं, ये मार्च का महीना है, इस महीने ना क्लोजिंग भी शॉर्ट है, आपको पूरा 31 मार्च नहीं मिलने वाला है। जितने भी लीडर्स लास्ट डे तक लेवल्स टच करते हैं, यू हैव टू क्लोज योर लेवल बाय 28th और 29th of March ओनली। तो बेस्ट पॉलिसीज 10 तारीख के अंदर दम दिखाओ और टीम का दम दिखाओ और अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। दोस्तों आज जो आपने टॉपिक देखा, बैक टू बेसिक्स, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक पे जो स्पीकर हैं, बिल्कुल ठीक बोला नानी जी, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके उनके वॉइस में पावर, एक्चुअली उनके अंदर बहुत पावर है और अंदर का पावर बाहर आता है। आई कैन टेल यू इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव लीडर, वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग लीडर एंड वेरी वेरी पैशनेट। पैशन में उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता है, आई कैन टेल यू दिस। एंड हम सबके फेवरेट लीडर हैं, पूरी टीम के फेवरेट लीडर हैं। वास्ट नॉलेज, वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही जबरदस्त टीम बनाई है। उनके टीम में वो तो मिलेनर बन ही चुके हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, इज अ ट्रिपल मिलेनर। लेकिन उन्होंने अपनी टीम में मिलेनर्स, कार अचीवर्स की लाइन लगा दी है। एंड आई थिंक उनके लिए बहुत सा बड़ा साल होने वाला 2024, एंड यू लव टू हियर हिम। उसको उनका एक एक वर्ड सुनिएगा, उनका एक भी बात मिस मत करिएगा। अपना पेन डायरी लेके बैठिए, आपको अच्छे पॉइंट्स को नोट करिए। वैसे ये फेसबुक लाइव हो रहा है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो प्लीज वेलकम, प्लीज हेल्प मी वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वन ऑफ द ग्रेट लीडर, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मिस्टर सुब्रतो चक्रवर्ती जी। सुब्रतो जी, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, आपको प्रणाम। आप नहीं होते तो मैं कहा पता ही नहीं चलता। और ना एक्सेलेंट एमसी, शॉर्ट टाइम में माने रेडी होना ये बहुत मुश्किल की बात है। और ना एमसी वेरी गुड नहीं है, वो बहुत वेरी वेरी गुड ट्रेनर भी है। मैं आज जो सेशन है बैक टू बेसिक्स, हम बेसिक्स नहीं करेंगे तो कभी भी बड़ा काम नहीं बनेगा। कभी कभी हम लोग देखा है, ये साइकोलॉजी है, जब रिजल्ट बड़ा हो जाता है हम लोग बेसिक्स छोड़ देते, ये भी मुश्किल हो जाता है। जब बेसिक्स में काम बंद हो जाता है तो हम लोगों को बिजनेस, मोदी केयर का बिजनेस बाहर जगह में क्या होता है, काम भी धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो जब तक जिएंगे, जब तक हम लोग धरती में रहेंगे, तब तक बेसिक करना ही पड़ेगा, बेसिक करना ही पड़ेगा। एक ह्यूमन को क्या बेसिक करना पड़ता है, डेली सुबह उठ के ही, नींद से उठने के बाद कुछ बेसिक काम होता है, ब्रश करना, वॉशरूम में जाना, फ्रेश होना, टी पीना, चा पीना, खाना खाना, ये बेसिक्स है। ये बिना बेसिक से काम नहीं चले। तो मोदी केयर का बिजनेस को भी कुछ बेसिक चीज है, वो नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, काम वो नहीं करेंगे तो काम बहुत आगे भी नहीं जाएगा, हम लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम लोगों को बेसिक, हर डेली बेसिस बेसिक करना है। क्या बेसिक करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड प्रेजेंटेशन करूंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ
अचीव कर सकते हैं। क्या चाहिए पहले अचीव करने के लिए? कमिटमेंट। ये बेसिक है, बिना कमिटमेंट में कुछ रिजल्ट बनने वाला नहीं है, बड़ा कुछ नहीं होगा, छोटा होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। बिना कमिटमेंट में जीत नहीं होगा। किसी का पास कमिटमेंट नहीं है तो हारे गए। जैसे आज हम लोगों का कोर मेट था, मैं भाग भाग के आया, क्यों? हमको जूम में बैठना ही है। मैं वादा किया, कमिटमेंट किया, हम लोग जैसे भी हाल है घर में जाके ऑफिस में बैठना और प्रेजेंटेशन कर, ये कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट जरूरी होता है सक्सेस पाने के लिए। और क्या जरूरत होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेंगे, मन की चलिए नेगेटिव एटीट्यूड रहेंगे तो हार असम हार तो बिल्कुल है। नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सब एक्टिविटी नेगेटिव, तो क्या होगा? लाइफ भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे तो हम लोग जीतेंगे, सक्सेस पाएंगे। मन के चलिए एक हाथी जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर होता है हाथी। जंगल में सबसे टॉलेस्ट जानवर होता है जिराफ। सबसे बुद्धिमान शियाल होता है। और सबसे तेज रफ्तार से भागता है वो चीता। लायन में कुछ भी नहीं है, वो बड़ा भी नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तेज भागता भी नहीं है, उसका बुद्धि भी बहुत ज्यादा नहीं है, सियाल का माफिक नहीं है, फिर भी वो सोचता है, उसका एटीट्यूड होता है मैं राजा, मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं, इसलिए मैं राजा। जब जंगल से हाथी और लायन एक साथ जाता है और बीच में मुलाकात हो जाता है, लायन का माइंड में आता है ये मेरा शिकार है, उसको खाना पड़ेगा, मेरा लंच है। एलिफेंट का दिमाग में क्या चलता है? वो मेरा, मुझे खाएगा। ये लायन जो मुझे मिला है रास्ता में वो मुझे खाएगा, भागो। एटीट्यूड जैसे होगा रिजल्ट ऐसे ही होगा। तो सक्सेस पाने के लिए, अचीव करने के लिए एटीट्यूड बहुत मायना रखते हैं। इसके बाद क्या होता है? वर्क विथ योर अपलाइन। अपलाइन कौन क्या है? अपलाइन है मेंटर। अपलाइन क्या है? गुरु, जो मुझे पथ दिखाएगा, जो मुझे रास्ता दिखाएगा। मेरा डेस्टिनेशन जो मैंने सेट किया, मेरा जो गोल, लाइफ का गोल सेट किया, और वो रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता है। वो रास्ता कैसे जाएंगे वो जानकारी मेरे पास नहीं है। किसका पास जानकारी है? मेरा अपलाइन, मेरा मेंटर, गुरु को पास है। तो मैं गुरु को सरेंडर करूंगा, गुरु को पास समर्पित करेंगे, उसको हर बात सुनेंगे बिना आर्गुमेंट में, तो मुझे सक्सेस मिलेगा, हर कुछ अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम है बिना क्रॉस चेक करके कोई समर्पण नहीं करता है। लोग बोलते हैं मैं समर्पण समर्पित कर दिया, डाउट रखता है। तो डाउट जिस जिस जो जो चीज में डाउट होगा वो चीज में जीत नहीं होगा। बिना डाउट से हम लोग 100% बिना डाउट से किसी को गुरु को पास समर्पित कर दिया तो गुरु आराम से हमको पहुंच देंगे, मेरा जो डेस्टिनेशन गोल है उसमें हम लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या जरूरी होता है? फॉलो द सिस्टम। सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे। सिस्टम पावरफुल है, मैं भी पावरफुल है, किंतु मेरे से ज्यादा पावरफुल है सिस्टम। जैसे आज हम लोगों का कोर मीट है, कोर मीट में बहुत सारा लोग आता नहीं है, बहुत सारा लोग आता है। जो लोग आता नहीं है वो सिस्टम मान नहीं रहा, जो लोग सेमिनार में आता नहीं है, जो लोग जूम में आता नहीं है, जो लोग ऑफिस में आता नहीं है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता है, कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करता है, वो लोगों को जीत नहीं होगा।
वो अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। मन के चलो मेरा उड़ने का मन है, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं तो मैं उड़ नहीं पाएंगे, फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे आसमान में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम को सपोर्ट लेना पड़ेगा। वो सिस्टम क्या है? फ्लाइट का टिकट काटना पड़ेगा और उसमें बैठना पड़ेगा। और फ्लाइट प्लेन एरोप्लेन फ्लाई करेगा तो मैं उनका अंदर हूं, तो मैं भी फ्लाई कर रहा हूं। मैं क्यों फ्लाई नहीं कर पा रहा है? मेरा डाना नहीं है, पंख नहीं है। बर्ड को पंख है इसलिए वो उड़ पाता है, मेरा पंख नहीं है इसलिए मैं फ्लाई नहीं कर पाता हूं। मैंने क्या किया? सिस्टम को सपोर्ट लिया, मैं उड़ रहा हूं। क्यों? एरोप्लेन आसमान में फ्लाई कर रहा है, मैं भी फ्लाई कर रहा हूं। ये चारों चीज को मैंने मेंटेन किया, हर चीज मैं अचीव कर सकता हूं। ये चारों चीज चीज का अंदर एक चीज मैं मिस कर जाऊंगा, मैं अचीव नहीं करूंगा, मैं हार जाऊंगा। तो दोस्तों, ये चारों पॉइंट को अचीव करना है सक्सेस पाने के लिए, बहुत बहुत जरूरत है। नेक्स्ट, पहले क्या करना पड़ेगा? गोल सेट करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है, बहुत सारा लोग इसको सीरियसली लेता नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। गोल सीरियसली लेता नहीं है, लोग क्या सोचते? मैं करेंगे, मैं करेंगे, मैं करेंगे, मैं काल करेंगे, काल करेंगे, काल आर आता नहीं। तो दोस्तों, गोल सेट करना बहुत जरूरत है। मैं कहा, मैं मोदी केयर में आया, मोदी केयर में क्या पाना चाहते, मेरा गोल क्या है? गोल नहीं लिखेंगे, गोल को सेट करके गोल को लिखना है। गोल को लिखना बहुत जरूरत है, नहीं तो वो फोकस नहीं होगा। मैंने लिखा मेरा गोल को, मुझे 10,000 रुपया चाहिए, तो लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया, क्या आ गया? फोकस हो गया, 10,000 मुझे अर्निंग करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगा? 10,000 अर्निंग करने के लिए मेरा क्या आ गया? कमिटमेंट आ गया, मुझे 10,000 दिस मंथ अर्न करना पड़ेगा, कमिटमेंट आ गया। जो कमिटमेंट आया तो क्या मिलेगा? मेरा गोल जो 10,000 है उसमें पहुंचने के लिए डायरेक्शन मिलेगा, सही डायरेक्शन मिलेगा, सही प्लानिंग बनाएंगे, अपलाइन को साथ बातचीत करेंगे। नहीं तो गोल को लिखेंगे, नहीं तो क्या होगा? अपलाइन को साथ बैठना नहीं पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो क्या? सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मेरा 10,000 अर्निंग मिस हो जाएगा। वो 10,000 बोलिए, 5,000 बोलिए, 1 लाख बोलिए, 10 लाख बोलिए, मैंने गोल को सेट नहीं किया, लिखा नहीं है, कमिटमेंट में बदलेगा, वो सही डायरेक्शन में नहीं आएगा। गोल को क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। मेरा गोल क्या है? स्पेसिफिक होना जरूरी है, और वो माप जोग को होना चाहिए, मेजरेबल, मैं अचीव कर सकता हूं, ऐसे गोल बनाना बहुत जरूरत है, और वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। मैंने किसी को पूछा, तुम्हारा गोल क्या है? उन्होंने बोला, मैं चांद में जाना चाहता हूं। चांद में जाना चाहता है, चाहते हैं, उसको ट्रेनिंग है, वो चांद के जाने के लिए उन्होंने मैंने पढ़ाई किया नहीं किया, तो ये रियलिस्टिक नहीं, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। मैंने आज मोदी केयर में ज्वाइन किया और दिस मंथ मैं 1 लाख अर्निंग करना चाहते, रियलिस्टिक है? नो, रियलिस्टिक नहीं है। मैं दिस मंथ 2,000 3,000 अर्न करना चाहते, ये रियलिस्टिक है। टाइम बाउंड होना जरूरी है, मेरा गोल क्या है, सपना क्या है, कब पहुंचेंगे, मेरा गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, फॉरेन ट्रिप जाना चाहते, तो कब, वो मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं करेंगे तो मैं हार जाऊंगा। व्हाट्स योर ड्रीम? हम लोगों का ड्रीम क्या होता है? बेटर एडुकेशन फॉर योर चाइल्ड, बच्चे को हायर एडुकेशन देना चाहते। इसके बाद क्या है? बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लेडीज को, डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी उसका पसंद है, वो खरीदना चाहते, वो पसंद करते, तो
तो ए भी सपना होता है, ड्रीम होता है। बहुत सारा लोगों का सपना है ड्रीम होम, एक ड्रीम होम, एक सपने का घर, हाउस बनना चाहते हैं, लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में जीना चाहते, ये लोगों का ड्रीम होता है। और क्या होता है, वर्ल्ड टूर। बहुत सारा लोगों का सपना होता है बहुत सारा देश दुनिया को देखे, घूमे, तो घूमना चाहते, वर्ल्ड टूर करना चाहते, ये ड्रीम होता है। ये जब ये चीज को मैं लिखेंगे तो डायरेक्शन में बदल बदल जाएगा, मेरा सपना पूरा होगा, मेक योर ड्रीम ए रियलिटी। क्या करना पड़ेगा, मेरा जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, थिंक योर ड्रीम, मेरा सपना क्या है, वो थिंकिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचना बहुत जरूरी होता है। विजुलाइज योर ड्रीम, मेरा जो सपना है, कार हो जो भी हो, वो विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये विजुलाइज, जब आंख बंद करके मैं वो चीज को देख पाऊंगा, वो चीज को बोलता है विजुलाइजेशन। ये बहुत बड़ा जरूरी होता है सक्सेस पाने के लिए, विजुलाइज योर ड्रीम। हम लोगों को जो सपना होता है वो विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है। मेक अ ड्रीम बुक, एक बुक बनाना चाहिए, उसमें हम लोगों का जो सपना है उसको फोटो, उसको राइट डाउन करना जरूरी होता है। ड्रीम बुक बनाना बहुत जरूरी होता है। प्लान योर ड्रीम, मेरा क्या सपना है, हम लोगों को क्या सपना है, उसको ऊपर प्लान करना चाहिए। मान के चलिए हम एक घर बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक जमीन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, वो प्लान बनाने के बाद आर्किटेक्ट को देना पड़ेगा। आर्किटेक्ट क्या बने क्या करेगा, वो प्लान का ऊपर काम घर बनाए। तो प्लान योर ड्रीम, मेरा सपना क्या है, वो उसको प्लान बनाना। जब प्लान बनाएंगे क्या होगा, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर ड्रीम ईच डे, मेरा जो सपना है कब पूरा होगा, वो डे, मंथ, ईयर को फाइनल करना पड़ेगा। और रिमाइंड, हर बार रिमाइंड करना जरूरी होता है कब ये पूरा होगा। शेयर योर ड्रीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्रीम को शेयर करना। शर्म होता है जब किसी को बोलेंगे, हमको डर होता है, शर्म होता है, क्या किस लिए, जो मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो वो हंसेगा, वो बहुत कुछ सुनाएगा बात, क्या तुम्हारा बैलून फूस हो गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम हमको बात सुनाएगा, इसलिए हम लोग शेयर करना नहीं चाहते मेरा क्या सपना। दोस्तों, शेयर करना ड्रीम को, हम लोगों को क्या सपना है वो ड्रीम को शेयर करना जरूरी है। दोस्तों, मैं एक मेरा एक माने बात है, सीक्रेट है, मैंने क्या किया, जब 2018 में मोदी केयर कंपनी ने क्या किया, फॉरेन ट्रिप दुबई लॉन्च किया, तो उस टाइम मैंने क्या किया, मेरा मिसेस को मैंने बताया, मेरा बच्चे को बताया, मैंने कंपनी ने लॉन्च किया है, हम लोगों के लिए ऑफर दिया है दुबई ट्रिप, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, साथ में आप दोनों को लेके जाऊं। तो हर दिन मैं जब ये बोल दिया, हर दिन मेरा मिसेस, मेरा बच्चा, मैंने जीना हराम कर दिया। हम लोग जा रहा है, तो जा रहा है ना, हम लोग इस बार जाएंगे तो आपको साथ, हम लोगों को लेके जाएंगे तो आप, ऐसे बोलते बोलते मेरा जीना हराम कर दिया। और मेरा काम बन गया वो जो मैंने कमिटमेंट किया, वादा किया, उसको पूरा करना। दोस्तों, 6 मंथ का ऑफर था, मैंने सिंगल अचीव किया था 6 मंथ, 1 महीना एक्सटेंशन किया, मैंने गॉड को इतना बार बोला, मैंने वादा किया, मैंने बेटा को और मिसेस को लेके जाएंगे, मेरा वादा को पूरा करना है, ये झूठ नहीं होना चाहिए। तो गॉड ने क्या किया, मोदी केयर को बोला, तुमने 1 महीना ऑफर एक्सटेंशन दे दो, और मोदी केयर एक्सटेंशन दे दिया 1 महीना, और मैंने और मेरा मिसेज दोनों ने क्वालिफाइड हो गया, दुबई ट्रिप में गया, और मेरा बच्चा ट्रैवल फंड से दुबई ट्रिप में गया। ये शेयर करने का रिजल्ट मिला। ड्रीम को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। लोग हंसेगा, हंसने दो, मेरा क्या जाएगा, वो लोग हंसेगा,
जितना हंसेगा उतना मैं स्ट्रांग बनूंगा, जितना हंसेंगे लोग मेरा ऊपर, मेरा सपना का ऊपर, उतना मैं भागूंगा, उतना मैं बाउंस बैक करूंगा, उतना ज्यादा काम करूंगा मेरा सपना पूरा करने के लिए, डे नाइट एक कर दूंगा। और तब जाके अचीव होता है। बिना मेहनत से, बिना पेन से अचीव नहीं होता है। जो लोग हंसता है, जो लोग टोन करता है, हम लोगों को मदद करता है अचीव करने के लिए। कुछ लोग सोचता है वो हंसेगा तो क्या होगा, तो कुछ लोग हंसता है हम लोगों को ऊपर, और कुछ लोग रोता है। तो रोना नहीं है, हंसने दो और खुद का काम करते रहो, और एक दिन अचीवर बन के कामयाब अचीवर बनो, और तुम हंसोगे और वो लोग रोएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे क्या करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज है, लिस्ट बनाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बनाता है शुभ, तो आपका स्लाइड नहीं क्यों? दिख रहा है हम लोग को, हाँ हाँ स्लाइड शेयरिंग नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा बॉस। नहीं, आप खाली आप ही दिख रहे हो स्क्रीन में। ओहो सॉरी बॉस, मैं कोई तो बात नहीं, अभी स्लाइड कर दिखा रहा लो आप। नेक्स्ट स्लाइड बोला ना, मेरे लगा आप है। अच्छा सॉरी, स्लाइड शेयर कर लो। मैं तो अब सोचा स्लाइड हाँ हाँ स्लाइड नहीं दिख रहा है, आया बॉस। अभी स्लाइड आ गया। अभी आप आगे कर दो जहां पे थे। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ लिस्ट। लोग यहां पर हार जाता है। हम लोग जब लोगों को बोलते हैं, मोदी कैट जब ज्वाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स, ईट, पाथर, बाली, सीमेंट, रॉड, ये रॉ मटेरियल्स। हम लोगों को गोल को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए, लोगों को नाम का लिस्ट बनाना बहुत जरूरत है। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? सही डायरेक्शन में नहीं जाए। मेरा डायरेक्शन क्या है? मेरा डायरेक्शन कार है। मेरा डायरेक्शन गोल क्या है? घर है। मेरा डायरेक्शन क्या है? मिसेस का गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी। मेरा गोल क्या है? मेरा बच्चा को हायर एडुकेशन। मेरा गोल क्या है? बैंक बैलेंस। मेरा गोल क्या है? क्वालिटी लाइफ, लाइफस्टाइल में जीना, बेहतर लाइफस्टाइल। वो नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग इसमें हार जाते हैं, फंस जाते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते। इसको काम ही नहीं सोचता है जो लिस्ट बनाएंगे। ये क्या काम है दोस्तों? हम लोगों के घर में जब शादी कुछ होता है, कुछ ओकेशन होता है, हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लोगों को निमंत्रण पत्र भेजते हैं। बिना लिस्ट बना के निमंत्रण नहीं भेजते, निमंत्रण पत्र नहीं भेजते, और भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाए। तो मोदी केयर में जीतना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, और हारना चाहते हैं, बहुत सारा लोग हारना चाहते हैं इसलिए लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। क्या लिस्ट बनाएंगे? अप्रोच फॉर द प्रोडक्ट। टू अप्रोच फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए किसको मैं कस्टमर बनाएंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे, उसको लिस्ट बनाना जरूरी है। हम लोगों को अप्रोच करना है किस किस कारण? मोदी केयर के अपॉर्चुनिटी के लिए। मोदी केयर में एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के भंडार है, बहुत कुछ है। आप लोगों को चाहिए तो लिस्ट बनाना चाहिए, तो मोदी केयर अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। और क्या चाहिए? मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल इन योर लिस्ट विद द साइंटिफिक मेमोरी जगर। एक साइंटिफिक मेमोरी जगर क्या होता है? आपका दिमाग में वर्म मार्केट। वर्म मार्केट क्या है? वर्म मार्केट होता है वर्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। वर्म मार्केट क्या है? हम लोग आएंगे वर्म मार्केट में। वर्म मार्केट, पीपल यू नो एंड थ्रू रेफरल, फ्रेंड, रिलेटिव्स, हाउसिंग सोसाइटी, किटी पार्टी, रेफरल्स, फोकस ऑन योर वर्म मार्केट। शुरुआत में जब हम लोग बिजनेस में कोई आ रहा है, मैं शुरुआत में मैंने क्या किया?
इसको ऊपर लिस्ट बनाए, फ्रेंड रिलेटिव्स नेबर्स इसको ऊपर हम लोग फोकस किया, इसको ऊपर लिस्ट बनाया। हम लोग क्या लिस्ट बनाया, हम लोग आएंगे, गुड थिंग्स आर इजीली शेयर, बहुत कुछ अच्छा चीज हम लोग शेयर करते, हम लोगों को शर्म नहीं होता, हम लोग सोचते नहीं है इसको ऊपर बात करेंगे, एक बार भी सोचता नहीं है, हम आसानी से लोगों को बताते हैं क्या क्या। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये हम लोगों का मैंने जीवन में ये नेटवर्किंग बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे, ये हम लोगों का हिस्सा बन चुका है, जीवन का हिस्सा बन चुका है। जैसे हम लोग सिनेमा के बारे में बात करते, कोई अच्छा मूवी आ गया, हम लोग लोगों को बताते ये अच्छा मूवी है देखने के लिए जाओ, एक बार भी हिचकिच नहीं होता है दिमाग में, हम लोग बताते, नहीं बताएंगे तो पेट में गुरगुरी आ जाता, कब बोलेंगे कब बोलेंगे कब बोलेंगे, आज ही बोलना है, चलो साथ में जाना है, अच्छा रेस्टोरेंट हम लोग बोलते किसी को, वो रेस्टोरेंट में जाना, अच्छा खाना मिलता है, हम लोग जॉब, योर कार, योर चाइल्ड स्कूल, चैरिटी, व्हाई नॉट गुड प्रोडक्ट्स, ये चीज को हम लोग बोल सकते हैं, तो क्यों मोदी केयर का अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा क्यों प्रोडक्ट है, सेटिस्फेक्शन गारंटी है, आप आज खरीदारी किया प्रोडक्ट, 25 दिन उनको उनको उन किसी को मैंने दिया, 25% यूज किया, 25 दिन बाद उसको पसंद नहीं हुआ वो रिटर्न कर सकता है, मनी मनी बैक कर दूंगा। दुनिया में ऐसे कोई प्रोडक्ट में 100% गारंटी मिलता नहीं, ये अच्छा गुड वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हम क्यों शेयर नहीं करेंगे, शेयर करेंगे तो क्या होगा, व्हाई नॉट एन अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट। तो हम लोग सब कुछ, हम लोग बच्चे का टीचर मैं शेयर करता हूँ, सब कुछ स्कूल सब कुछ शेयर करता हूँ, तो मोदी केयर में अपॉर्चुनिटी है, अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी शेयर करना बहुत जरूरी होता है खुद का सपना पूरा करने के लिए। इसके बाद क्या है, वाई स्पॉन्सर, क्यों स्पॉन्सर करना जरूरी है, बिल्ड ए बेस फॉर योर बिजनेस, हम लोग बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी होता है, और क्या जरूरी होता है, स्टेबिलिटी इन बिजनेस, बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए तो स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है, और क्या है जरूरी, पैसिव इनकम करना चाहते, पैसिव इनकम और रेसिडुअल इनकम करना चाहते, मैं बिजनेस को बना दूंगा बिजनेस चलते रहेगा, मैं नहीं भी रहूंगा फिर भी बिजनेस चलता रहेगा, मेरा मिसेस को मेरा बच्चा को वो इनकम मिलेगा, ऐसे ऐसे कुछ चाहते हैं लाइफ में, तो मोदी केयर में स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी होता है, और किस लिए, ब्रिंग इन लीडरशिप, एक लीडर बनना चाहते, लीडर टीम में लीडर बनाना चाहते, खुद लीडर बनना चाहते, तो स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी होता है, बिना स्पॉन्सरिंग से लीडर नहीं बन सकते। मोर पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, जितना ज्यादा लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सरिंग करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे, उसको ग्रो कराएंगे, उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इनविटेशन टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, इनविटेशन कॉल विथ, जब किसी को साथ मैं बात कर रहा हूं तो मेरा अंदर क्या होना चाहिए, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी होता है, कोई ठंडा चीज मन के चलिए, कोई कोई भी खबर, कोई भी खाना ठंडा आपको अच्छा नहीं लगेगा, गरम खाना बहुत अच्छा लगता है, स्वाद लगता है गरम खाना, मैं कभी कभी बॉस को साथ खाने का मौका मिलता है, कोई ठंडा होता है तो संजय जी को, हम लोगों का मेंटर को गुस्सा आ जाता है, ये खाना ठंडा क्यों, गरम करके दो, तो जैसे कोई आदमी ठंडा है, बात कर रहा है ठंडा, तो लोगों को क्या लग, क्या क्या महसूस होगा, ये आइसक्रीम बर्फ का तरह हो गया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा।
किसी को पास एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, पावर है, एक्साइटमेंट है, लोगों को अंदर इंटरेस्ट जगेगा तो एंथुजियाज्म, जो भी कॉल करना, एंथुजियाज्म जरूरी होता है, एक्साइटमेंट रहना जरूरी होता है. नेवर एक्सप्लेन द बिजनेस ओवर द फोन. कभी भी फोन में बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए. बहुत सारा लोग पूरा बिजनेस फोन में बोल देता है. प्रोस्पेक्ट क्या करना चाहते, थोड़ा सा हिंट दे दो, थोड़ा सा हिंट दे दो, अरे ये कुछ तो बताओ. और यही चक्कर में ज्यादातर लोग पास जाते, पूरा बिजनेस सोचता है, जान लेता है और दोबारा वो इंटरेस्ट दिखाता नहीं है. फोन में क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और कुछ नहीं. अपॉइंटमेंट लेने के पहले क्या बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ा बिजी हूं, मेरा मेरे साथ कुछ गेस्ट आया हुआ है, आपका साथ बात कर रहा हूं आपका अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ये बोलना है, राइट? तो ओनली एक ओनली अपॉइंटमेंट लेने लेने के लिए कॉल करना है. कॉल विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक्सपेक्ट ए यस. जब भी कॉल मैं कर रहा हूं, मेरा अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. कभी कभी होता है वो ना बोलेगा, वो ना बोलेगा. कभी कभी होता है मैं कॉल किया, साइकोलॉजी है, वो नहीं उठाएगा तो अच्छा है, वो नहीं उठाएगा तो अच्छा है, नहीं उठाएगा तो अच्छा है, वो नो बोलेगा तो अच्छा है, मुझे ज्यादा बात नहीं करना पड़ेगा. ये डर से, फियर से आप लोगों को दिमाग में ऐसे सोच आता है. तो क्या 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 माइंड में चलना है, जो पॉजिटिव, वो फोन उठाएगा, वो फोन उठाएगा, और वो फोन उठाएगा तो हमको अपॉइंटमेंट यस करेगा. तो ऐसे माइंड में चलना चाहिए. इसके बाद क्लियर द डेट एंड टाइम. जब भी बात करेंगे, डेट एवं टाइम क्लियर होना चाहिए. कब बात करेंगे, काल ना परसों, सुबह ना शाम को, 7 बजे ना 10 बजे, जो भी टाइम है, क्लियर डेट टाइम होना चाहिए. नेक्स्ट, न्यू कंसल्टेंट वर्क विद द थ्री वे कॉलिंग. कभी कभी बिग फिश होता है, कोई प्रोस्पेक्ट होता है, सक्सेसफुल आदमी होता है, कभी कभी सीनियर को साथ क्या करना पड़ेगा, थ्री वे कॉलिंग करना जरूरी होता है. टू ए टू इनवाइट ऑन द फोन सेल्फ, थ्री वे कॉलिंग, थ्री वे कॉल्स क्या होता है, ये आप है, आप कॉल कर रहे हैं, राइट? ये योर प्रोस्पेक्ट है. इसके बाद ये आपका अपलाइन है, राइट? आप बात कर रहे हैं. साइन सनशाइन ग्रीटिंग्स क्या होता है, मैंने एक इसको बांग्ला होता है, सूर्यालोक अभिवादन. तो सनशाइन ग्रीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जब सूरज सुबह उठता है ना, लोगों को मन बहुत अच्छा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है. अब जब हम लोग पुरी में जाते हैं, कैसे सूरज उठता है, हम लोग देखने के लिए समंदर का किनारे पास हम लोग चला जाते हैं. तो सनशाइन ग्रीटिंग्स एक अभिवादन होना चाहिए, ऊर्जा, राइट? ऑनेस्ट, इसके बाद ऑनेस्ट पेडेस्टल. ये क्या होता है, सात सात पादोदेश, माने सात उपोदेश. इसके बाद इसके बाद क्या होना चाहिए, इनवाइटिंग स्क्रिप्ट होना चाहिए. जब कि जिसको साथ मैं बात करूंगा, थोड़ा सा स्क्रिप्ट बनाना बहुत जरूरी होता है. स्क्रिप्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, सही डायरेक्शन में मेरे बात आगे बढ़ेगा. इसके बाद क्या होगा, फॉर्म कमिटमेंट टू एंड अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. एवं जब हम ऐसे बात करते हैं, सीनियर कुछ बात करके मैं राम को साथ बात किया, मिस्टर राम को साथ बात किया, बात करके मुझे बोलना है, मेरा मेंटर मेरे साथ है, मेरा गाइड मेरे साथ है, मेंटर मेरे साथ है, आपका बारे में मैंने बोला और उन्होंने आपके साथ बात करना चाहते, राम जी प्लीज एक बार आप बात करिए, और सर आप एक बार राम जी को साथ बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ऐसे बात करके फोन को
आपको जो अपलाइन है, मेंटर है, उनको दे देना है, और इस बीच में और एक दो लाइन बात करना है, राम जी को बोलना है, राम जी मैंने जो मुझे जो सक्सेस मिला मेरा मेंटर मेरे गुरु का कारण, वो ये आपका साथ बात करना चाहते, मैं फॉर्चुनेट हूँ मेरा गुरु मेरे साथ है, एक बार आपको साथ बात करना चाहते, ये लाइन भी जोड़ देना है, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद क्या होगा, इनविटेशन टेक्निक, यूज द 5 CS टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी, ये चार चीज को ऊपर बात करना पड़ेगा। पहले पूछना पड़ेगा फैमिली कैसे है और आपका ऑक्यूपेशन कैसे चल रहा है, आप घूमने कहाँ कहाँ जाते हैं, जा रहा है, आपको इनकम तो बहुत ज्यादा है, किसी को बोलना नहीं है आपका इनकम बहुत कम है, मोदी केयर करना है, उनका अंदर गुस्सा आ जाएगा, उसको बोलना है आपका इनकम तो बहुत ज्यादा है, आपको तो कुछ करने का दरकार नहीं है, तो उन्होंने आपको पास सरेंडर कर देगा, उनको इनकम ज्यादा नहीं है और भी ज्यादा चाहिए, तो मुझे लाइन मिल गया। इसके बाद क्या क्या चाहिए, द 5 CS ऑफ इनविटेशन, मेक कन्वर्सेशन फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट योर प्रोस्पेक्ट, जब भी बात करना प्रोस्पेक्ट को साथ, तो उसको बारे में दो चार अच्छा शब्द निकालना, अच्छा कुछ बोलना, तो उनका दिल में खुशी आ जाएगा, उनको अच्छा लगेगा, जब किसी को अच्छा लगता है तो वो दूसरे को इंपॉर्टेंस देता है। इसके बाद क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, सब कुछ बोल नहीं देना है, क्यूरियोसिटी रखना है, तो क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो हम लोगों को काम नहीं होगा, क्यूरियोसिटी रखना है। नेबर सेटिस्फाई इट इफ यू डू इट द वांट काम, कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट से टू मच, ज्यादा नहीं बोलना है, गेट ए कमिटमेंट, ए फॉर्म कमिटमेंट फॉर्म फॉर देम टू अटेंड विथ डेट टाइम टू अटेंड विथ स्पाउस, जब भी किसी को साथ बात करना है उसको पाउस को ले लेके आने के लिए बोलना है, एक साथ मिलना है, तो काम ज्यादा बनेगा। इसके बाद क्या है, 8 पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन, पहले क्या करना पड़ेगा, योर स्टोरी बोलना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, योर स्टोरी, मैंने कब शुरू किया, किस लिए शुरू किया, क्या पाना चाहते, 2 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी फेस, कंपनी एंड प्रोडक्ट संबंध बात करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड एंड सक्सेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेंड क्या चल रहा है एवं सक्सेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग का क्या सक्सेस, उसको ऊपर 2 3 4 5 मिनट बात करना पड़ेगा। सॉफ्ट फेस, मनी एंड टाइम फ्रीडम, क्या बोलना पड़ेगा, मनी एंड टाइम फ्रीडम का, आपको फाइनेंशियल आजादी का ऊपर बात करना पड़ेगा, टाइम फ्रीडम के बारे में बात करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मीडिया फेस, शो द वीडियो, जैसे मैं आजाद हूं, नेशनल चैनल एबीपी न्यूज, हम लोगों का मेंटर संजय जी को वीडियो चला दीजिए 2 4 मिनट, ऑल जी लीजेंडरी लीडर्स टेस्टिमोनियल चला दीजिए, पिक्चर, कुछ कॉन्टैक्ट मैगजीन को दिखा दीजिए, कुछ सक्सेसफुल लोगों को बारे में बता दीजिए, उसको फोटोग्राफ दिखा दीजिए, कार अचीवर को फोटोग्राफ दिखा दीजिए, उसको तो उसको क्या होगा, बिलीव होगा, उसको जो सपना है ये लाइफ में चाहिए, अभी तक मिला नहीं है, उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा होगा। इसके ऊपर क्या चाहिए, डेमो, आपको प्लान बोलना पड़ेगा, 10 से 12 15 मिनट के अंदर प्लान को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका अपलाइन, कंपनी सपोर्ट एंड प्रूवन सिस्टम, आपका अपलाइन के बारे में, आपका अपलाइन और कंपनी आपको कैसे सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट लेके आपका सपना कैसे पूरा हो रहा है, उसके ऊपर भी 2 3 4 मिनट बात करना पड़ेगा। क्लोजिंग करना पड़ेगा, रीजन टू गेट इन्वॉल्व, यूज प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पीएमएफ, तो पीएमएफ क्या है,
जो भी बात कर रहा है, हम लोगों का ऑपोजिट में जो मेरा प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, उसका जो नर्व है, जो बटन है, वो दर्द है, दर्द का बटन दबाना पड़ेगा, वो दबा के उसके ऊपर बात करना पड़ेगा तो ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। इसके ऊपर क्या, इसके बाद क्या आएगा, सम टिप्स, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म रखना पड़ेगा, डेमो किट रखना पड़ेगा, ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा, ड्रेस अच्छा प्रोफेशनली होना चाहिए, हर मीटिंग का ड्यूरेशन 45-50 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, नेवर सर्व हार्ड बेवरेज और स्मोक नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ खाना और स्मोकिंग होना होना जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं होना चाहिए। 85 अपलाइन एंड मोदी केयर, और क्या होना चाहिए, नेवर हैव कंपटीशन प्रोडक्ट, कभी भी कंपटीशन प्रोडक्ट का ऊपर बात नहीं करना चाहिए, रीच बिफोर यू अपलाइन का पहले पहुंचना बहुत जरूरी है, कभी कभी अपलाइन पहुंच जाते, डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर पहुंचते नहीं है, कभी कभी अपलाइन का पास हर टाइम बैग रहते हैं, बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन का पास कभी भी, ज्यादातर टाइम मैंने देखा है कोई बैग नहीं है, कोई सामान नहीं है, डेमो नहीं है, अपलाइन को बोझ, अपलाइन को क्या नखर बना देते, इसलिए काम ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, हम जल्दी जाएंगे, कमिट टू कोर होना चाहिए, शो एटलीस्ट 15 प्लान प्लान ए मंथ, मिनिमम 100 PV होना चाहिए, 100% यूजर ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट, हैव ए 10 रिटेल क्लाइंट होना चाहिए, लिसन टू सक्सेस प्रिंसिपल, मैंने मोदी केयर का प्रोडक्ट लिटरेचर वीडियो, लीडर का वीडियो, सक्सेस स्टोरी देखना चाहिए, कनेक्ट मैगजीन पढ़ना जरूरी है, अच्छा किताब पढ़ना जरूरी है, डेली बेसिस अच्छा किताब पढ़ना, मिनिमम 15 to 30 मिनट्स होना चाहिए, अटेंड ऑल फंक्शन अटेंड करना जरूरी होना चाहिए, टीम प्लेयर बनना चाहिए, काउंसिल विद अपलाइन, कंसल टू डाउनलाइन, डू नॉट क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं होना चाहिए, मैंने आप कभी भी नेगेटिव चीज अपलाइन को साथ शेयर करो, कोई भी चीज आपको डाउट है अपलाइन को साथ शेयर करो, डाउनलाइन का साथ ऑलवेज पॉजिटिव बात शेयर करो, क्रॉस लाइनिंग मत बोलो, किसी को नेगेटिव मत बोलो। इसके बाद क्या होना चाहिए, सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग होना जरूरी है, प्लानिंग करना जरूरी है, अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जरूरी है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन करना जरूरी है, क्लोजिंग द सेल, फॉलो अप एंड सर्विस आफ्टर द यूज। नेक्स्ट, डेवलप योर पर्सनल पावर, बी ए टीचेबल, लिसन टू सक्सेसफुल पीपल हु हैव वर्क द सक्सेस पाथ एंड लर्न फ्रॉम द थ्रू टेक्स्ट बुक सक्सेस सेमिनार, अच्छा किताब, सक्सेस सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो पर्सनल पावर बढ़ेगा, योर बिजनेस गोल बहुत जरूरी है, बिजनेस गोल बनना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज, जितना ज्यादा लोगों को साथ बात करेंगे उतना लॉ ऑफ एवरेज बनेंगे, 10 लोगों को साथ बात किया, 6 लोग आएंगे, 6 लोग बोलेंगे आएंगे आएंगे नहीं आएगा, 3 लोग फाइनली आएगा मीटिंग सुनने के लिए, 1 लोग ज्वाइन करेगा बिजनेस में, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। नेक्स्ट, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जितना ये डुप्लीकेशन है पावर, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, मैं खत्म करेंगे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन है, मैंने ज्वाइन किया, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, खुद को ऊपर बिलीव होना चाहिए, मोदी केयर का ऊपर बिलीव होना चाहिए, टीम मेंबर का ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपलाइन का ऊपर बिलीव होना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद का ऊपर तो बिलीव होना चाहिए, बिलीव इन योर अपलाइन, बिलीव इन मोदी केयर, बिलीव इन द सिस्टम ऑफ सक्सेस, बिलीव इन योर पीपल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सुमित जी, 1 मिनट अपना शेयरिंग बंद करो।
श्योर। सो फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे सुब्रतो चक्रवर्ती जी को। सी, उन्होंने जितना भी बात बताया ना, वही सिस्टम है टू बिल्ड योर नेटवर्क। जो बोले ना, बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स क्या? होल लाइफ बेसिक। बोले ना, जब तक आपको जिंदा है तब तक बेसिक ही करना है। इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और आप लोगों बोलूंगा दोबारा इसको जाके देखिए। इतना सारा पॉइंट्स था। एवरीथिंग विच वन शुड डू टू बिल्ड अ ग्रेट नेटवर्क। सुब्रतो जी, आपका नॉलेज इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव। यू हैव गॉट अ बिग नॉलेज ऑन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और आपके बारे में क्या बोलूं, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, पावरफुल प्रेजेंटर हैं। और आज का सेशन आपके लिए, हम सब लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो देखता हूँ हमारे साथ जो लीडर्स हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। राजा शाह जी, वुड यू लाइक टू प्रेजेंट योर सेल्फ? यस सर, यस सर। थैंक यस। यू सर। थैंक यू सर आज का सेशन के लिए। इतना बेहतरीन स्पीकर है सुब्रतो दा। लेकिन पहले तो मैं अनन्ना दीदी का बारे में बताना चाहूंगा। मैडम, आप तो बहुत ही मैं क्या बोलूँ, हमने काफी बार संजय सर को बोला भी है कि हमको अनन्ना मैडम का ट्रेनिंग चाहिए। तो फैंटास्टिक एमसी यूर। थैंक यू सो मच। एंड मैं सुब्रतो दा के लिए क्या बताऊं कि सुब्रतो दा तो बहुत ही पावरफुल, और ये बात सच है, सुब्रतो दा सिर्फ ट्रेनिंग देते नहीं है, वो दिल से कहते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज से आता है, जो वो खुद बिलीव करते हैं वही चीज बताते हैं। और इसी में ही उनका जो ट्रेनिंग का जो पावर है ना, वो दिखता है इसी में। तो सुब्रतो दा, आज आपने बहुत सारा पॉइंट कवर किए, और ये एग्जाम्पल तो बहुत ही मैंने हार्ट टचिंग था आपका, जो लायन वाला है, लायन एलिफेंट और जिराफ के बारे में जो आपने बताया एकदम शुरू में, ये तो सच में। और लास्ट में इतना सारा स्लाइड में मुझे सबसे बेहतरीन लगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, जो 8 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये बहुत ही सही डायरेक्शन लगा। ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प होगा, और मैं भी उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा, और टीम को भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सुब्रतो दा, फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू सो मच। और संजय जी, थैंक यू सो मच। और मैं कोई लीडर नहीं देख पा रहा। आई कांट सी एनी अदर लीडर इन दिस इन द मीटिंग टुडे। सो फ्रेंड्स, ऐसे भी टाइम ओवर हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 9। आपको बहुत ही शानदार सेशन मिला है। इसको फेसबुक में जाके दोबारा देखिए, अपने टीम के साथ शेयर करिए, और हमारे साथ इसी तरह हर फ्राइडे, हर सैटरडे हमारे साथ बने रहिए। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फ्रॉम दिल से सुब्रतो जी। आपका ट्रेनिंग हमेशा इज लव बाय एवरीबडी। और इसी तरह आपको हर महीने एक बार आना पड़ेगा। अपना डेट्स कंफर्म रखिए अगले महीने का भी। हाँ, एवरी मंथ भाई एक बार आते ही होवे। सो थैंक यू सो मच सुब्रतो जी। थैंक यू सर, बैक आपको टू सैल्यूट। मेरे को, हम तो आपको सैल्यूट करते हैं सर सुब्रतो जी। बैक टू अनन्या पॉल जी फॉर क्लोजिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सर एंड थैंक यू सुब्रत सर। आपका मीटिंग सुन के दिल बहुत खुश भी हो गया और दुखी भी हो गए हम, क्योंकि आधा काम तो हम खुद नहीं करते हैं। लेकिन आज से ये ठान लिया कि ये पूरा पॉइंट हमको फॉलो करना है और सब में ये शेयर करना है, ये पॉइंट फॉलो करने के लिए। क्योंकि बेसिक नहीं करेंगे तो हम लोग का ग्रोथ नहीं होगा। जैसे हम लोग जो ABCD सीखते हैं ना, तो बीच में कोई भी सी किया तो GF ये हम लोग बाद नहीं दे सकते। हम लोग को पूरा अल्फाबेट ही सीखना है। ए मैंने 26 हमको सीखना ही है, तभी जाके कोई वर्ड कोई सेंटेंस बना पाएंगे। तो थैंक यू ये सेशन देने के लिए, बहुत कुछ सीखा आपसे। और थैंक यू एवरीवन हम लोग के साथ बने रहने के लिए। हर सैटरडे फ्राइडे हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू अनुना।